नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके दुश्मनों के घर में ये बड़ी घटनाएं होने वाली है, जिसे जानने के बाद आपके दुश्मन का कान खड़ा उठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भयानक घटना आपके दुश्मन के घर पर अब होने जा रही है। आपके दुश्मन के सबसे बड़े दिन का पहिया अब घूम रहा है, उनके ऊपर या फिर उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा काल मंडरा रहा है। आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, बता दें, अब आपके दुश्मन की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और आपके दुश्मनों को जितनी भी मनमानी करनी थी वह तो उन्होंने कर ली, लेकिन अब वह ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपके दुश्मनों को आप जितना परेशान करना, तो दोस्तों उन्होंने आपको कर लिया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी तो ये बात जानते ही हैं कि सबका समय एक ना एक दिन अवश्य से बदलता है। आपके दुश्मनों ने दोस्तों बता दें कि बुरे कार्य करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, जिसका परिणाम अब आपके दुश्मनों को पूरी तरह से मिलने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजाना अपनी राशि का महाराशि फल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस घटना को होने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईश्वर की जब लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती है, केवल और केवल पीड़ा और तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, जो दिखाई देता है और जिसके साथ में होता है, उसके पैरों तले जमीन गिर सकती है। कुछ ऐसी ही घटना आप लोगों के दुश्मन के घर परिवार और उनके जीवन में अब होने वाली है। दुश्मनों के पैरों तले, आंखों में दोस्तों आंसू ही आंसू अब नजर आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही बुरा समय आपके दुश्मनों के जीवन में अब आने वाला है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया है, बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, आपके जीवन को दोस्तों खत्म करने का भी प्रयास किया है। उनके ऊपर ही दोस्तों ये चीजें भारी पड़ने वाली हैं, उल्टी पड़ने वाली हैं। दुश्मनों के घर में आखिरकार ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है आपके दुश्मनों के घर में, इसके चलते हुए दोस्तों आपके दुश्मन की जीवन नरक की तरह अब होने वाला है और आपके दुश्मनों की रूह अब कांपने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही बड़ी घटनाएं आपके दुश्मनों के साथ में अब होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मनों ने आपके परिवार पर बहुत ही बुरी नज़र डाल दी थी। आपका दुश्मन आपके परिवार को कभी भी खुश नहीं देखना चाहता था। तांत्रिक क्रियाओं में भी यदि विश्वास रखते हैं तो दोस्तों वहां पर भी उसने हाथ पैर मारे थे कि आपका परिवार इतना खुश आखिरकार कैसे है। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी मुसीबत आपके परिवार पर भी आई थी। लेकिन दोस्तों, आपको हम अभी सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कि आप जानते ही, जिनके साथ में कालों के काल महाकाली का आशीर्वाद होता है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जिनका मन महाकाल में विश्वास रखता है और जिनका केवल और केवल भगवान में विश्वास रहता है, ऐसे लोगों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आपके साथ में भी ये घटनाएं हुई हैं। यदि आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा विश्वास करता है, तो वह आपके परिवार को खत्म करने के लिए आपके परिवार की खुशियों को देखकर जलने के बाद में बाबाओं के पास में भी चक्कर लगा लेते हैं। आपका इस समय तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब आपके दुश्मन के पास में दोस्तों दुश्मन गया था, तब वह आपके परिवार के ऊपर जादू टोना तो करवाने का प्रयास किया ही था, लेकिन उसका पूरा हो रहा था कि वह आपके ऊपर दोस्तों वह जादू टोना करे। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को अचानक से इसका असर हुआ, परिवार के और दोस्तों आपके घर परिवार के रिश्तेदारों के घुटनों में दर्द थोड़ा भरने लग जाता है। ये सब कुछ दोस्तों आप लोगों के संग हुआ है, तो इससे थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात करते हैं आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव पक्के से लिख दें। तभी आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा और घर परिवार में खुशियां आएंगी। हम ये बात लिखकर देते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है और आपके घर परिवार में खुशियां आने से भी अब कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जो लोग आपसे जलते थे और आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर होने वाले हैं और आप ही की तरह वह बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें, समय बहुत ही बलवान है, ये समय व्यक्ति को बदल देता है। याद रखें कि एक कहावत है कि किस्मत तो हमारा गदा ही पहलवान है। कहते हैं कि किस्मत ही अच्छी तो गदा ही पहलवान है, और यही कहावत अब सच होने वाली है। आज की पूरी वीडियो खास आप लोगों के ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों,
इसके साथ ही साथ पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए खास रहने वाली है। वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर जरूर देखें दोस्तों। उससे पहले लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इन तीन दिनों के राशिफल को जानना चाहते हैं, वो एक इस चैनल को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले तीन दिनों में आपके जीवन काल में क्या क्या शुभ एवं अशुभ संकेत आने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आने वाले अगले तीन दिनों में 72 घंटों में आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये माँ लक्ष्मी का शुभ संकेत भी काफी हद तक माना गया है। किसी भी घर में मेहमान का आना यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आने के सामान्य संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को मेहमान को भगवान के समान आपको मानना होगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ये समय आपके लिए काफी खास रहेगा। किसी व्यक्ति से ऑनलाइन बात हो सकती है जो कि आगे चल के आपके लिए भाग्यवान साबित होने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, किसी की बातों में आकर कोई भी फैसला ना लें। दोस्तों व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं उनको मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है, लेकिन अपने दुश्मन से आपको थोड़ा बच कर के ही व्यापार करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों घाटा होने की संभावना बन रही है। बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने के पूरे गारंटी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, आपको अपने दुश्मन से थोड़ा बच कर के ही रोजगार चाहिए होगा दोस्तों, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यदि हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा बहुत बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों बिना टेंशन लिए हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, लेकिन आपके दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ खास उपाय करने हैं। याद रखिए, रोज सुबह उठ के पीपल के पेड़ में पहले आपको पानी देना होगा, तभी आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसके साथ ही साथ आप लोगों को कुछ विशेष सावधानियां बताने वाली हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की भी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें, ताकि हर प्रकार की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों जीवन में चल रही तकलीफों से निजात पाने के लिए आप लोगों को विशेष काम करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, गतिविधियों पर आपको पैनी नजर रखने की आवश्यकता है, इससे आप लोगों का काफी फायदा रहने वाला है। बच्चों से उचित मार्गदर्शन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में बता दें, तो दोस्तों आप लोगों को बचकर रहना है और पति पत्नी के साथ में आप लोगों के संबंध में काफी हद तक मधुरता बनी रहेगी। यदि किसी कारणवश से कुछ अनबन चल रही थी, वह भी अब आप लोगों की दूर होने वाली है। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है। जीवन साथी का आप लोगों को पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों वीडियो में हमने आप लोगों को पहले भी बताया आज की इस वीडियो में, कि अविवाहित लोगों के लिए एक अच्छे रास्ते का प्रस्ताव आ सकता है। मांगलिक शुभ कार्यों की भी कामना की जा सकती है, काफी अच्छी शुरुआत होगी। विवाह संबंधी चर्चाएं भी आप लोगों के संग में चल सकती है अविवाहितों के लिए। दोस्तों एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आप लोगों की पूर्ण हो सकती है, समाप्त हो सकती है। यदि किसी को आप प्रेम करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। विवाह करना चाहते हैं दोस्तों तो भी आप लोग विवाह कर सकते हैं, इसके भी काफी पूर्ण योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें